नमस्ते दोस्तों, जगदम्बानंद शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज जो रेसिपी अपने किचन में बनाने जा रही हूँ, जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है पंजाबी आलू का पराठा ढाबे स्टाइल में, जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं उसको देख लीजिए। इसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम आटा। आटे के लिए पहले 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच तेल डालेंगे इसमें, 1 से 2 चम्मच मोयन के लिए, और नमक डालेंगे। उसके बाद आलू हमने लिया है 350 ग्राम। 6 आलू थे जिसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। इसके लिए हमें मसाले जो डालने हैं वो हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ती थोड़ी सी 1 कटोरी के लगभग, और 1 चम्मच अदरक, और 2 हरी मिर्च, चाट मसाला। अब हम सबसे पहले आटे को बना के रखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम अजवाइन इसमें मिला देंगे, टू टेस्ट नमक मिलाएंगे। 1 चम्मच मैं नमक मिला दे रही हूँ इसमें, और इसमें हम 1 चम्मच मोयन के, 1 से 2 चम्मच मोयन के लिए तेल डालेंगे, और इसे हम अच्छे से मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूथेंगे। पहले हमारा अच्छे से ये मोयन हो जाए, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूथेंगे। अब इसमें हम पानी डालते हैं, पहले थोड़ा पानी डालते हैं, इकट्ठे बहुत सारा पानी डालने से आटा गीला हो जाता है, तो इसमें हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे गूथेंगे। एक गिलास इसके लिए हमने पानी ले रखा है, इसमें जितना यूज होगा उतना है। पराठे के लिए हम जैसा आटा गूंथते हैं वैसा ही आटा हम गूंथ लेंगे, जो पूरी और पराठे के लिए गूंथते हैं। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है, और इसको हम कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। इसमें हमने आटा भी थोड़ा सा रख दिया है जिसको हम लगा के बनाएंगे, इसे साइड रख लेते हैं। अब हम आते हैं मसाला तैयार करते हैं, स्टफिंग पहले तैयार करें। पूरा आटा गूंथने में मेरा इस एक ग्लास से आधा ग्लास तक लगा है लगभग पानी। अब हम ये जो हमने पहले से फोड़ रखे हैं आलू, इसको फिर से मैश कर लेते हैं एक बार। अब इसमें हम धनिया पाउडर मिलाएंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर मिलाएंगे,
थोड़ा सा गरम मसाला मिलाएंगे टू टेस्ट। लाल मिर्च जितना हमें तीखा खाना हो। मेरे मेजरमेंट चम्मच को देखिए, जितना मैं ले रही हूँ उतनी सामग्री लीजिएगा। इसमें अदरक और जो लाल मिर्च और हरी मिर्च काट के रखे हैं उसे डाल लेंगे। धनिया पत्ती डाल देंगे। नमक टू टेस्ट ऐड करेंगे, जितना हमारे घर में सभी खाते हैं। इसके बाद हम इसमें हम चाट मसाला एक चम्मच ऐड करेंगे इस चम्मच से, और अनारदाना पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको मिक्स करके हम अच्छे से मिक्स करके आप इसे टेस्ट कर लें। आपको इसका टेस्ट पसंद आ रहा है या नहीं, यदि कम अधिक जो भी इसमें मसाले हों, यदि आपको और ज़रूरत लगे कि इसमें और मसाला ऐड करना है तो आप इसमें मसाले ऐड कर दें। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसके पहले हम जीरा आलू की स्टफिंग बता चुके हैं, जीरा आलू पराठे की, वो फ्राई करके मैंने बताया है। इसमें मैं प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये ऐसे ही बनेगा, इसे आप इसी तरह बनाइए। ये हमारा आटा सेट हो चुका है, इसे हम एक बार और ऐसे मल लेंगे। इसके बाद अब हम आइए इसके पराठे बनाते हैं। इसके लोई काटेंगे। अब हमें जितना बड़ा लोई पसंद हो, जितना बड़ा आप चाहें, छोटा या बड़ा जैसा आप पसंद करते हैं वैसी लोई बनाएं और इसको ऐसे खोल इसका बना लें। और इसमें स्टफिंग डाल दें, ज़्यादा न डालें नहीं तो फट जाएगा, बेलने में दिक्कत आएगी। इसको भर के ऐसे ऐसे इसका खोल बना लें। ये अच्छे से हो गया। और इसको थोड़ा सा आटा लगा के ऐसे बेलें। अब इसको हम एक जगह रख देते हैं।
पराठा बनाने की दूसरी विधि आपको मैं बता दे रही हूँ। इसके लिए आप क्या करिए, दो पूड़ी बना लीजिए। दो पूड़ी बनाकर ये बीच में दो बराबर साइज की पूड़ी बनाइए, बीच में ये स्टफिंग भरिए। उसके बाद इसको हल्का हल्का फैला लीजिए। पहली टाइप आपको मैं बना के दिखा चुकी, दूसरे स्टेप में इस तरफ अगर आपको स्टफिंग भरना हो तो आप ये बराबर साइज की पूड़ियाँ बनाइए, इसके बीच में आलू की स्टफिंग भरिए, फिर इसके ऊपर दूसरा रख के ऐसे साइड से चिपका दीजिए, ऐसे अच्छे से ऐसे चिपकाइए कि ये खुले ना। इसके बाद इसको थोड़ा सा आटा ऐसे पुश करके दबा लीजिए, इसमें थोड़ा सा आटा लगाइए ये, और इसको आप अच्छे से बेल लीजिए। ये आपका पराठा तैयार हो गया। आपका ये दूसरा इस स्टाइल का ही पराठा अच्छे से तैयार हो गया। अब इसको हम फ्राई करते हैं। तवा को हमने गर्म कर लिया है पहले से, अब इस पे हम रख देंगे। ये हमारा पहले तरफ से सीख गया था, हमने पलट दिया, अब इसे हम दूसरी तरफ से सीख लेते हैं। हल्का सीख जाए, अब हम इस पे तेल लगा देंगे। आप चाहें तो घी का यूज कर सकती हैं। ये हमारा तेल हो गया, अब हम इसे दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। ये कॉर्नर पे भी ऐसे हिला के ऐसे करके, ताकि ये कच्चा न रह जाए। अब हम ये दो लेयर वाला पराठा डालेंगे इस पे, जो आपको मैंने बताया है अभी, और इसे भी उसी तरह सेक लेंगे। ये हमारा डबल लेयर पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। इसे अच्छे से सेक लेंगे ताकि कहीं कच्चा न रहे। दोस्तों, ये हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। आलू का पंजाबी ढाबे स्टाइल का, आप इसको अपने घर में ट्राई करें, अच्छे से बनाएं। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसे आप पिकल्स के साथ, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, रायता के साथ या किसी भी करी वाली सब्जी के साथ यूज़ करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे खाएं और सभी को खिलाएं। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।